अगर आप विंडोज 7 को अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो भी बिना सीडी डीवीडी यूएसबी के, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाई थी, उसमें मैंने विंडोज 7 से 10 तक बताया था कि आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि किस तरह से विंडोज 7 को स्पेशली इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि कुछ भाइयों को समझ नहीं आ रही थी। हालांकि आप ये वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, लाइक्स और कमेंट्स आए हैं, और कमेंट्स पे ये मैं बता दूं कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रही है। तो अगर आपको कोई भी इशू इस वीडियो से रिलेटेड आता है तो आप कमेंट करें, तो मैं एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूँगा। तो बिना टाइम जाए के चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उमर शफीक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अच्छा, विंडोज 7 को इंस्टॉल करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। जो सबसे पहली चीज़ है वो है ईजी बी सी डी टूल, ठीक है। उसके बाद आती है विन आर आर, ठीक है। उसके बाद आती है विंडो। अब विंडो जो है हमें वो आई एस ओ फाइल में चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं डॉट आई एस ओ, ठीक है। ये नीचे भी लिखा शो हो रहा है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इनको डाउनलोड किस तरह से करना है। सबसे पहले ये विंडो 7 को देखते हैं, आपने एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है। ये मेरा चैनल है, अगर चैनल का कॉन्टेंट अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो सिंपल आपने क्या करना है, ब्राउज़र की एक टैब ओपन कर लें। अब यहाँ पे आपने लिखना है गेट इनटू माय पीसी, ठीक है। इतना लिख के साथ में आगे विंडो 7 लिख दें और इंटर पे क्लिक कर दें। अब ये देखिए पहली ही वेबसाइट है, इस पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए गेट इनटू पीसीएल डॉट कॉम, इस पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, इसको ओपन करें और इसमें एड्स वगैरह इतने नहीं आते, स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है। ऐसे स्क्रॉल डाउन करें, नीचे डाउनलोड का एक क्लिक होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही ईजी है, मैं इसको डाउनलोड करके नहीं दिखा सकता हूँ ताकि किसी किस्म का कोई क्लेम ना आ जाए, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, फिर भी किसी को समझना है तो मुझे कमेंट पे पूछ ले, व्हाट्सएप पे पूछ ले, इंस्टाग्राम पे पूछ ले, तो मैं उसको बता दूंगा। तो अच्छा, ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ है हमें विन आर आर चाहिए। इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल लिख दें विन आर आर, ठीक है। इंटर पे क्लिक कर दें। अब ये देखिए पहली ही वेबसाइट आ रही है, इसको मैं डाउनलोड करना बता देता हूँ क्योंकि ये फ्री में है तो इसका मुझे इशू नहीं होगा। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है डाउनलोड विन आर आर, ठीक है। एक ये चीज़। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लिक हेयर फॉर 32-bit वर्जन। अब मुझे कैसे पता कि ये जो मेरी करंट विंडो है ये 32-bit है कि 64-bit है। सिंपल आपने क्या करना है, अपना स्टार्ट बटन इसके ऊपर क्लिक करें, कंप्यूटर पे आके राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम टाइप 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मेरा 64-bit है। तो मैं क्या करूँगा, जो 64-bit वाले हैं ना उन्होंने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है, जिनके पास 32-bit है उन्होंने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू डाउनलोड विन आर आर, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले भी एक डाउनलोड किया था तो ये डुप्लीकेट का आ रहा है, ओके पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए पॉपअप आ चुका है। अब जिनके पास इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है उनका ऐसे पॉपअप आ जाएगा, अगर जिनके पास नहीं है तो परेशान नहीं होना, ये जो ब्राउज़र है इसका अपना डाउनलोडर होता है तो वो खुद ब खुद इसको डाउनलोड कर देगा। सिंपल इसको मैं स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड कम्प्लीट होगी इसकी, ठीक है। अच्छा, अभी हमें क्या चाहिए, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, हमें चाहिए ईजी बी सी डी। ये भी फ्री टूल है तो मैं इसका भी आपको बता देता हूँ कि आपने फ्री में इसको डाउनलोड किस तरह से करना है। सिंपल यहाँ पे लिखें ईजी बी सी डी, लिख के इंटर पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली ही वेबसाइट आएगी, ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सिंपल इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। ये देखिए मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रही है, ठीक है। एक ये चीज़ आ रही है फिक्स करने के लिए पीसी को, ठीक है, अगर बूट नहीं कर रहा है तो एक ये चीज़ आ रही है, ये कमर्शियल पेड में है, ठीक है। ये देखिए $39.99। हमें क्या चाहिए, फ्री में हमारा काम चल जाएगा। सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, रजिस्टर पे। अब यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना कि क्या पूछ लिए, आपने सिंपल कुछ कोई भी नाम लिख दे, अपना कुछ भी लिख दे, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, ठीक है, उमेर। अब यहाँ पर कोई भी ई मेल लिख दे, ये भी नहीं है कि ई मेल वैलिड होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे ये सॉरी .com। अच्छा ठीक है, ये मैंने लिख दिया ऐसे, तो डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये इसका पॉपअप आ चुका है, ठीक है। तो सिंपल पहले की तरह आईडीएम है तो इस तरह पॉपअप आ जाएगा, नहीं है तो यहाँ पे ब्राउज़र ऑटोमेटिकली इसको डाउनलोड कर लेगा। सिंपल मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें हो गई हैं, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले विन आर आर पे डबल क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब ये देखिए कुछ भी नहीं करना, ओके पे क्लिक कर दें, डन पे क्लिक कर दें, ठीक है। ये इस तरह की विंडो ओपन होती है, इसको आपने कट कर देना। अब ये हो गया हमारा विन आर आर इंस्टॉल, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, अब इस पे राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए हमें काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं विन आर ए आर के, क्योंकि ये हमने इंस्टॉल कर लिया। तो अब हम सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, ठीक है, मैं माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे ना एक स्क्रीन पे आपके सामने एक एरर शो हो रहा है, ठीक है, मतलब कि सीडी डीवीडी ड्राइवर का डिवाइस का ड्राइवर मिस कर रहा है। तो ये जो प्रीवियस विंडो थी ना, जो विंडो 10 वाली, तो वो भी आपकी स्क्रीन पे उसकी पिक्चर शो हो रही है। तो उसमें भी काफ़ी लोगों को ये इशू आया था कि ये एरर आ रहा था। तो ये एरर कब आता है, जब आप विंडो को इंस्टॉल करते हैं ना, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ये एरर आ जाता है। तो ये एरर क्यों आता है, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में कुछ भाइयों ने स्टेप्स को फॉलो नहीं किया था। स्टेप्स को फॉलो किस तरह से करना है, अब यहाँ से आपने गौर से देखना है। ये देखें, जहाँ पे आपने विंडो को एक्सट्रैक्ट करना है ना, पहली बात तो ये है कि वो इस तरह से पार्टीशन खाली हो, ठीक है। अगर इसमें कोई डाटा है, किसी भी पार्टीशन में आपने विंडो इंस्टॉल करनी है डाटा, तो उसको कॉपी पेस्ट करके किसी और पार्टीशन में सेव कर लें। अब ये पार्टीशन मेरे पास देख लें, बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके आपने एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे आना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें और ये देखें, ये है जी ड्राइव, ठीक है, लोकल डिस्क जी। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे लोकल डिस्क जी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैंने कोई फोल्डर नहीं बना रहा हूँ, आपने ये स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। ओके पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट होने लग गई है। तो यहाँ पे 5 से 10 सेकेंड लगेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा, ये 21 सेकेंड लगे हैं, तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, 31 GB रह गया। अब ये इसमें आ गया। अब जैसे मैंने एक्सट्रैक्ट किया है ना, कि ये देखिए कोई भी फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल नहीं है, सारी ऐसे ओपन ही है, ठीक है। तो ये इस तरह आनी चाहिए, ये इस तरह नहीं आनी चाहिए, मतलब कि ये देखिए इस तरह है, कोई फोल्डर विंडो 7 इसके अंदर ऐसी आ रही है, नहीं, जैसे मैंने आपको दिखाया है ये ऐसे ही आनी चाहिए। तो ये चीज़ आपने गौर करनी है, ठीक है। तो ये लोकल ड्राइव जो है ना जी, इसमें मैंने विंडो इंस्टॉल करनी है और इसी में मैंने ये फाइल एक्सट्रैक्ट कर दी। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इजी बी सी डी को, ठीक है, आपने इंस्टॉल कर लेना है। यस पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक कर दें, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, एग्री, नेक्स्ट, ठीक है, इंस्टॉल। कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा है। ये देखिए रन इजी बी सी डी आ रहा है, तो उसको हमने रन ही करना है। फिनिश पे क्लिक कर दें तो ये रन हो जाएगा। अब ये देखिए ये रन हो चुका है। अब आपने इस पर क्या करना है, इसके 1, 2, 3 थर्ड बॉक्स जो है ना, ऐड न्यू एंट्री, यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपने WINPE विन पी यहाँ पे क्लिक करना है। इसका आपने नाम रख देना है जी, विंडोज टेस्टिंग। आप कोई भी नाम रख सकते हो, मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि मुझे आसानी हो, क्योंकि मेरे पास पहले भी 2 विंडो हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नाम रखने के बाद आप कोई भी रख सकते हो, तो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। येलो सा बॉक्स है, फोल्डर बना हुआ है। अब कंप्यूटर पे आ जाएं, ठीक है। अब कंप्यूटर पे आने के बाद आपने ये देखिए लोकल ड्राइव जी, जिसमें हमने विंडो एक्सट्रैक्ट की है, यहाँ पे आने के बाद सोर्सेज फोल्डर पे क्लिक करना है और बूट डॉट WIM इस पे के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ओपन पे क्लिक कर दें और यहाँ पे EMS इनेबल्ड कर दें और प्लस पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे देखिए ये एंट्री ऐड हो चुकी है, ठीक है, सक्सेसफुली। अब यहाँ पे सेकंड वाले पे आ जाएं, एडिट बूट मेन्यू। अब ये देखिए मेरे पास विंडो 10 है, विंडो 7 है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई नाम ना लिखता तो मुझे समझ नहीं आनी थी कि विंडो 7 कौन सी है, क्योंकि मेरे पास 2 हो जानी थी। तो यहाँ पे अब ये हमने की है एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक करके इसको यस कर देना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, ठीक है। काउंट डाउन फ्रॉम 30, यहाँ पे 30 होना चाहिए, और इसको सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेव हो चुकी है, इसको कट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको वीडियो को बंद कर रहा हूँ, तो मोबाइल से अपने रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अब कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दिया। रीस्टार्ट करने के बाद अगर आपने मेथड को सही फॉलो किया होगा, तो वो एंट्री शो हो जाएगी जो आपने ऐड की। जैसे कि मैंने विंडोज़ टेस्टिंग एंट्री ऐड की, तो यहाँ पे शो हो रही है, तो मैं इसके ऊपर इंटर पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे विंडो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। लोड फाइल्स आ रहा है और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग विंडोज़ भी लिखा आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सेटअप स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे पहला जो डिफ़ॉल्ट आता है, ये टाइम, ये करेंसी, रीजन, कीबोर्ड, ये सब डिफ़ॉल्ट रहने पे डेस्क पे क्लिक कर दें, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे सेटअप इज स्टार्टिंग आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ना आपके यहाँ पे एक एग्रीमेंट आता है,
यहाँ पे ये देखिए एग्रीमेंट आ रहा है, इसको आपने चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना आपने, और यहाँ पे वो पार्टीशन सेलेक्ट करनी है जिसमें कोई भी डाटा ना हो, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो ये मैंने पार्टीशन सेलेक्ट कर ली है जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे विंडो इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा थोड़ा कट भी करूँगा क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं ना, ताकि आपका टाइम भी बच जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें एरर वगैरह कुछ भी नहीं आता है। तो ये देखें, ये मैंने कट कर दिया। अब विंडो इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब यहाँ पे फिर से रिस्टार्ट का करेगा, ठीक है। तो ये ऑटो होता है, 10 सेकंड में आप क्लिक कर देंगे रिस्टार्ट नाउ पे हो जाएगा, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, मैंने क्लिक नहीं किया था तो ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से विंडो इंस्टॉलेशन का ना प्रोसेस कंप्लीशन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, एक थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये आप देख सकते हैं, सेटअप इज़ स्टार्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीशन इंस्टॉलेशन का आ गया। तो ये विंडो इंस्टॉलेशन प्रोसेस डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड कितनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना कि जो भी विंडो आप नहीं करोगे ना, वो हमेशा ऊपर आएगी। तो अगर नाम से हो ना, तो आपने परेशान ही होना। तो जो फर्स्ट विंडो थी ना, वही नहीं होगी। मैंने उस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए विंडो स्टार्टिंग, ठीक है, विंडो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये देखिए सेटअप प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से वीडियो को कट भी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने नाम लिख देना अपने कंप्यूटर का, ठीक है, जो भी लिखना है। मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ, टेक्नो टिप्स एंड ब्लॉग्स। तो मैं ये लिख दूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का जो भी लिखना है लिख दें। तो नाम लिखने के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे पासवर्ड आपने देना है, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो मैं सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने की है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो सिंपल स्किप पे क्लिक कर दें, इसका कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे आस्क मी लेटर पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आपने अपना रीजन टाइम वगैरह सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, ठीक है, तो मैं पाकिस्तान के हिसाब से इस्लामाबाद कराची को सिलेक्ट करूँगा। तो ये मैं उसको ढूंढ लूँ ज़रा, ये लास्ट में ही आता है इसका, ये देखिए इस्लामाबाद कराची। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, और डेट टाइम वगैरह ये भी आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट पे क्लिक कर दें, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। और यहाँ पे ना ये फिर से रिस्टार्ट लेगा। अब ये देखें वेलकम आ चुका है। तो ये विंडो स्टार्ट हो चुकी है जी, इतना सा प्रोसेस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो की स्क्रीन बड़ी बड़ी आ रही है, तो मैं स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे रेजोल्यूशन पे आके, तो जो रिकमेंड रेजोल्यूशन होगी ना, उसके ऊपर आपने क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ना, आपके पास एक पॉपअप आएगा, कीप चेंजेस, यहाँ पे क्लिक कर दें और ओके पे क्लिक कर दें। तो ये देखिए स्क्रीन बिल्कुल फिट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।